हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं पावर पॉइंट के अंदर व्यू मेन्यू का यूज़। व्यू मेन्यू के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कलर्स तक हमारे ऑप्शन कम्प्लीट कर लिए थे। आज हम आगे के ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। व्यू मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन का यूज होते हैं, आज हम बात करेंगे इसके अंदर विंडो और माइक्रोस का, इनका यूज किस प्रकार करते हैं हम व्यू मेन्यू में। न्यू विंडो में क्या है, विंडो के अंदर, न्यू विंडो के अंदर जैसे हमने यहाँ कोई विंडो ओपन कर रखी है, हमें इसे विंडो की डुप्लीकेट विंडो चाहिए तो हम न्यू विंडो करके दूसरी विंडो ले सकते हैं। तो हमने इस पर न्यू विंडो पर क्लिक किया तो हमारी ये देखिए इसके साथ है, दूसरी विंडो भी ओपन हो गई है। अब व्यू टू करेंगे और व्यू वन, तो अब हमें जैसे देखना है यहाँ कितनी विंडो ओपन है तो इन्हें किस प्रकार देख सकते हैं। आप अरेंज ऑल पर करेंगे तो यहाँ जितनी विंडो ओपन है वो सभी शो करेगी। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ तीन विंडो ओपन थी तो ये तीनों विंडो शो कर रही है हमें कि हमें ये तीनों विंडो इस प्रकार शो हो रही है। हमने तीनों विंडो ओपन थी तो तीनों विंडो हमारी अरेंज होल करने पर शो हो गई। अब हम कैस्केड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई देगी हमें विंडो भी किस प्रकार हमें दिखाई देनी है। तो ये देखिए आपको विंडो वन तो वो एक क्लोज करनी है तो एक क्लोज कर सकते हैं हम, जैसे हमें जैसे जो भी विंडो क्लोज करनी है तो कर सकते हैं। जैसे हमने विंडो टू क्लोज कर दी, हमें फिर वो नीचे वाली विंडो भी नहीं चाहिए तो वो भी क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये वाली विंडो रहेगी, फिर इस विंडो को आप इस प्रकार बड़ा कर सकते हैं। मूव स्प्लिट का इसका क्या है, हम जैसे इसकी डुप्लीकेट विंडो ले लेते हैं न्यू विंडो करके, हमने दो विंडो ले ली फिर अरेंज ऑल करेंगे तो ये देखिए आपको इस प्रकार दोनों विंडो जितनी ओपन विंडो थी वो शो हो गई थी। तो हमें क्या करना है, अभी इसे मूव करना है तो ये इस विंडो को मूव करेंगे तो हमारी ये विंडो भी मूव होगी। हम जैसे मूव स्प्लिट क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस प्रकार एक कर्सर आ गया। अब इसको हम मूव करेंगे तो ये हमारी ये दूसरा भी विंडो के अंदर मूव होएगा। ये देखिए अब जैसे भी अब इसे करेंगे तो अब वो भी हमारे पास मूव होएगा। आपको एक चीज़ और बता देते हैं मूव स्प्लिट में, मूव स्प्लिट में एक और क्या है, जो हमारे साइड में हमारी स्लाइड्स दे रखी हैं ये हमारी नॉर्मल साइज में है, अगर इनका हमें साइज कम ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इन्हें क्या इनको साइज का चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें मूव स्प्लिट पर क्लिक करना होगा। तो हमने मूव स्प्लिट पर क्लिक कर लिया था तो ये देखिए आपके पास इस प्रकार एक आइकन शो होएगा मूव स्प्लिट करने पर। फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एरो लेफ्ट राइट करेंगे तो उससे ये देखिए आपकी स्लाइड्स है वो कम ज़्यादा होती जाएगी। ये देखिए इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्विच विंडो। स्विच विंडो में भी क्या है, सेम जैसे ही एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना, तो एक विंडो दूसरी विंडो पे जाएंगे तो व्यू वन फर्स्ट विंडो होगी हमारी, व्यू टू सेकंड विंडो होगी हमारी। तो ये देखिए हमारी दो विंडो ओपन थी तो दोनों विंडो आ गई। इसी प्रकार अब व्यू वन करेंगे तो हमारी फर्स्ट विंडो आ गई। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा मैक्रोज का। मैक्रोज का यूज़ हमने पहले भी किया था एमएस एक्सेल के अंदर, फिर भी आज हम पावर पॉइंट के अंदर दोबारा से रिपीट करेंगे। अब बात करते हैं मैक्रोज के अंदर, जैसे हमने कोई स्लाइड के अंदर कोई शेप बना रखी है तो इसे हमें मैक्रोज के अंदर ऐड करना है। तो क्या करेंगे, मैक्रोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो शेप बना रखी है उसे ऐड कर लेंगे हम। जैसे हमने यहाँ कोई शेप ले रखी है उसे ऐड कर लेते हैं, यहाँ जैसे स्टार दे दिया, कोई नेम दे दिया, फिर उसे क्रिएट कर लेते हैं, वो ऐड होगी हमारी। तो फिर इसके बाद यहाँ कोई मैसेज दे देते हैं, इसका इसके अंदर हमने मैसेज दे दिया, ये हमारा मैसेज ऐड हो गया इसके अंदर। जैसे इस शेप को ऐड कर लिया हमारे मैक्रोज के अंदर, अब क्या करना है, मैक्रोज में जाएंगे वापस हम और ये देखिए यहाँ पे जो भी हमने ऐड शेप को ऐड किया था वो भी उसे रन करवाएंगे। इसे हम रन करवाते हैं तो रन करवाने पे हमारे पास इस प्रकार एक स्क्रीन एरर शो करेगा, हमने उस प्रकार रन करवाना हो गया मैक्रो का। अब दूसरा क्या, हमें इसके साथ इस लिंक बनाना है कोई, तो इसे इसका ऐड कर लिया, फिर यहाँ एक्शन पर क्लिक करेंगे तो एक्शन पर क्लिक हो गया। फिर यहाँ देखिए रन मैक्रो दे रखा है तो इसमें हमारा जो मैक्रो बना रखा है वो ले लेंगे हम। हाँ, रन मैक्रो पर क्लिक किया तो हमने जो मैक्रो बना रखे हैं उसको रन करवा लेंगे हम। जैसे हमने स्टार ले लिया और ओके कर लिया,
तो ये हो गया हमारा रन। फिर इसे हम F5 प्रेस करते हैं, ये हमारा। इस प्रकार आप मैक्रो को रन करवा सकते हैं। आपको दोनों तरीके बताएं व्यू मेन्यू के अंदर रन करवाने के। आप पहले मैक्रो के अंदर जाके भी करवा सकते हैं, दूसरा आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर हाइपरलिंक में लिंक्स के अंदर एक्शन से जाके भी इसको रन करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।